अभी हम सब जानते हैं कि शून्य से सृजन हुआ है, और आप अच्छे समझ लेना कि शून्य से ही सृजन होता है। मनुष्य का भी नियम यही है कि जो मनुष्य जितना भीतर शून्य की तरफ आ जाता, ये बच्चों के मन से लेकर नीचे तक शून्य की यात्रा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक महान शून्य भीतर छिपे हुए हैं। बच्चे भी शून्य हैं, अच्छे खासे शून्य हैं। आपने देखा होगा वो बेचारे खिलौने से खेलते तो शून्य है, फिर कैसा खिलौना, किस ब्रांड का है, कितने का है, वो नहीं देखते, शून्य है। बड़ी मस्ती में खेलते, किसी भी चीज से खेल लेते, मिट्टी में भी आनंद ले लेते, क्योंकि शून्य है। हमने इस शून्य को मार के ऊपर बढ़ गए, कहाँ बना हुआ है, कितने का है, किसने दिया, अच्छा ये तो ठीक, उसके पास क्या है, अरे तू अपना खेलना। तो ये आपने शून्य बर्बाद कर दिया। बच्चे को नहीं मालूम, बच्चे को इतना ही लगता कि ये मेरा शून्य है, ये मेरा आनंद है, ये मेरी मस्ती है, ये मेरा प्रेम है और मैं मजे में हूं। हमने वो खो दिया। हम कहते आनंद प्रेम मजा उत्साह कुछ नहीं, कितना सामान है, तेरा धर्म क्या है, तेरे पास ईश्वर कौन से हैं, तेरे पास डिग्री कितनी है, तो हम शून्य को छोड़ देते। आप समझ लेना आप शून्य को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि धर्म है शून्य की यात्रा। आपको भीतर शून्य की तरफ जाना है, और जब परम शून्य हो जाएगा तब जाके बल्ब बनते, तब जाके रिफाइनरियां आती, तब जाके एप्पल बनते। ये शून्य में से निकलते। मनुष्य का एक ही कर्तव्य कि वो शून्य की तरफ जाए, और मैं आपको शून्य की तरफ जाने के दो सबसे सरल उपाय बताता हूं, बड़े इफेक्टिव, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं और बहुत बढ़ चुके हैं। शून्य से इतना दूर गए हैं, इतना दूर जा चुके हैं कि हमारे पास सब ज्ञान है, सबके पास अपने अपने शास्त्रों का, धर्मों का, भगवानों का, डिग्रियों का, समाज का, परिवार का, दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स का सारा ज्ञान है। और इसी ज्ञान के द्वारा उसका जो स्पॉन्टेनियस ज्ञान है वो ढक गया है, इसलिए उसके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा। तो पाखंड, शून्य की तरफ आपको जाना है तो जीवन में से पाखंड हटा दो। बड़े अच्छे समझ लेना, पाखंड का मतलब है कि भीतर हमारे कुछ है और बाहर हम कुछ दिखा रहे, या भीतर कुछ है और बाहर छिपा रहे, या भीतर कुछ है, करने की इच्छा कुछ है और कर कुछ रहे, ये पाखंड है। आपके मन में जो है वो आपका सत्य है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो बड़ी जल्दी से आपके ये ऊपर के जो मन बने हैं, ये जो बुद्धि पावरफुल हुई है वो कट जाएगी, आप नीचे घुस जाएंगे। पाखंड कि भाई मैं ऐसा हूं तो हूं, क्या ऐतराज है, मैं हूं ना, आपको तकलीफ दे रहा हूं, हां तो आप जाओ, तुम ठीक नहीं हो, मालूम पड़ गया, हाँ कट्टा कट्टा। लेकिन उसके हिसाब से मैं ठीक बनने की कोशिश क्यों करूं, आप भीतर कुछ बाहर कुछ मर जाएंगे। उसी ने मार डाला, सबसे ज्यादा मारा उसी ने। आपके भीतर कुछ है और आप बाहर कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा वाल्मीकि डाकू था, जानता था डाकू हूं और बोलता भी था कि मैं डाकू हूं, है ना, रामायण बह गई। पाखंड नहीं है तो शून्य है, आप समझना। अगर पाखंड नहीं है तो शून्य है। जो छिपाता है वो गलत है। इतने साधु संत हैं, वो रामायण पढ़ते क्यों हैं, रामायण निकलती क्यों नहीं, क्योंकि पाखंड ही है। निकलेगी कहां से, निकलेगी ही नहीं। तो पाखंड समझ लेना कि मेरे मन में जो है वो सत्य है, और उस सत्य को सबके सामने स्वीकारने में क्या दिक्कत है, उसको छिपाते क्यों, छिपाना क्यों। तो जब आप कुछ छिपाएंगे नहीं, का आप कुछ अदरवाइज दिखाएंगे नहीं, तो आप भीतर शून्य की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज है संतोष, मैजिक है। अगर आपको क्रिएटिविटी जगाना है, जीवन में सफल बनना है, महान बनना है, उन्नति करना है, तो उसका सबसे बड़ा जादू है संतोष। अब दिक्कत क्या आती, सारे धर्म, सारी साइकोलॉजी शुरू से कहती कि संतोष परम धन, और शुरू से सबके सब धार्मिक हैं,
और एक ही सवाल पूछते हैं, संतोष कर लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बड़ा ही कमाल का ये मनुष्य है। आप एक भी धर्म बता दो, ओरिजिनल साइकोलॉजी में सभी ने कहा है कि संतोष परम धन। सभी धार्मिक है, सभी उस धर्म को मानते लेकिन संतोष को नहीं मानते, जबकि सारे धर्मों में मानने जैसा संतोष है। संतोष का अर्थ है कि मैं जैसा हूं मुझे उससे संतोष है, मेरे पास जो है और जैसे नमूने हैं मुझे उससे भी संतोष है, क्योंकि मैं ही ढूंढ के लाया हूं। और जो नहीं है मुझे उससे भी संतोष है कि नहीं है, या तो मेरा भाग्य अच्छा होगा है या मेरे में कैपेबिलिटी कम होगी। तो लेकिन मैं जैसा हूं, जहां हूं, मेरे पास जो है, ना उसमें से कुछ निकालना ना उसमें कुछ जोड़ना, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, मैं जैसा हूं, दुनिया का सबसे समृद्ध आदमी हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो हजारों बिल गेट से ज्यादा है। और बच्चों के पास होता क्या होता बिचारों के पास, लेकिन हजारों बिल गेट सरस जाते कि ऐसी मजे हमको दो, नहीं मिल सकता, बहुत आगे बढ़ गए। तो संतोष की है, आप कंटेन हो जाते। संतोष का मतलब अपने आप को कंटेन कर लो, सिकुड़ लो। धर्म में अपने आप को सिकुड़ना, अधर्म में अपने आप को फैलाना। आप फैला रहे और सोच रहे हम धर्म की बात कर रहे हैं, आप फैला रहे और आप समझते हम प्रगति की बात कर रहे हैं। नहीं, आप प्रगति नहीं कर सकते, सिकुड़ना पड़ेगा। शून्य होगा तो सृजन निकलेगा, तो संतोष आपको तुरंत सिकुड़ देता। क्योंकि अगर मैं संतोषी हूं तो न यूं देखना, न यूं देखना है, न जो पड़ा है उसकी तरफ यूं भी नहीं करना, और जो नहीं है उसकी तरफ यूं भी नहीं करना अपने को है। तो बड़ा संतोष है मन में, और जैसे ही संतोष आता कुदरत की तमाम शक्तियां मेहरबानियां आपके भीतर से बहने लग जाती। आप यह मत समझना कि धीरूभाई अंबानी की, बिल गेट्स की, स्टीव जॉब्स कोई एम्बिशंस के प्रोडक्ट है, मेहनत के प्रोडक्ट है, कुछ नहीं। मेहनत तो मजदूर करते हैं। एम्बिशंस सपने कौन देखता है जिसको मालूम हकीकत में कुछ नहीं होना है, वरना सपने की जरूरत क्या है। ये संतोषी लोग हैं, फ्लैश के भरोसे रहते। फ्लैश, एक पोजिशन में आप हैं, अभी जिस पोजिशन में आप बैठे रहे देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति से। तो फिर फ्लैश होता, यार तुम ऐसा करो, आपको नहीं मालूम क्यों करो, आप कर लो, जादू हो जाएगा जीवन में। लेकिन फ्लैश कब होगा, कुदरत आपको डायरेक्शन कब देगा, जब आप संतोष में हैं, शांति में हैं, सुकून में हैं, कोई आपाधापी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं। आपको आपसे मिलना है और आपके आपको कुदरत की आवाज सुनना है। कोई मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो संतोष में बैठ जाए और इंतजार करे उसका, बस। फिर धीरूभाई यहां पर है, फिर बैठ जाते वहां पर, डपक के बैठ जाते, फिर थोड़े दिनों बाद फ्लैश होता, अब रिफाइनरी, ओके रिफाइनरी, और रातों रात बढ़ते। ये जितने बड़े हैं, सड़क से वर्ल्ड के टॉप धनपतियों माने में इनको 3-4 साल से ज्यादा किसी को नहीं लगे, या किसी को भी आर्टिस्ट बनने में, किसी में से संगीत बहने में टाइम नहीं लगा। कोई क्रिएटिव व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज मैं कविता लिखूंगा। अबे तू कौन, वो भेजेगा तो निकलेगी, बड़े अच्छे समझ लेना। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं आज धुन बनाऊंगा। आप रेडी कर सकते अपने आप को शून्य की तरफ ले जाने की यात्रा पे, शून्य शून्य शून्य, और इंतजार कर सकते। धक्का तो वहीं से आएगा। ऐसे ही आप धंधा बढ़ाने की, कमाने की आप चेष्टा नहीं कर सकते। आप जहां हैं आज वहां पर मजबूती से खड़े हो गए और मस्ती में इंतजार करते रहते करते रहते करते रहते कि अचानक फ्लैश आता। हेनरी फोर्ड को आता गाड़ी बनाने का, स्टीव जॉब्स को आता एप्पल का, ये फ्लैश है। आप पढ़ना, आइंस्टाइन को इक्वल टू एमसी स्क्वायर का फ्लैश है, न्यूटन को फ्लैश है गुरुत्वाकर्षण का। तो सारी की सारी चीजें फ्लैश है। कुदरत की मेहरबानी चाहिए तो अपने भीतर के शून्य की तरफ जाओ। भीतर का शून्य बड़ा जादू है, ऐसा जादू है जिसकी आप कल्पना नहीं है। जितना शून्य की तरफ जीवन उतना महान, और विस्तार बाहर की तरफ।
आप जितना बाहर विस्तार करने की कोशिश करते हैं, आप बाहर भी सिकुड़ते, भीतर भी मर जाते। जो व्यक्ति शून्य की तरफ जाता भीतर, इसलिए विवेकानंद के सारे लेक्चर शून्य पे हैं कि शून्य में जाओ, आप अपने शून्य में जाओ, चमत्कार हो जाएगा। यही मेरा निवेदन है। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कम्प्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।